नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी जयपुर से आज आपको ओबीसी आरक्षण में जो महत्वपूर्ण विसंगतियों को लेकर वर्तमान में भर्तियों को जो ओबीसी युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है उसके बारे में एक डिटेल से और सरल भाषा में समझाना चाहूंगा। जो इसका मुख्य कारण है, अप्रैल 2018 में राजस्थान के कार्मिक विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण से संबंध में एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश के तहत जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें जब 12.5% आरक्षण जो पहले वर्टिकल रूप से दिया जाता था, उस आरक्षण को वर्टिकल से परिवर्तित कर हॉरिजॉन्टल में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका आशय यह हुआ कि जो भूतपूर्व सैनिक जिस कैटेगरी से या जिस कैटेगरी से आएगा वो उसी कैटेगरी की पोस्टों को या उस पोस्टों से ही भरा जाएगा। जिसके कारण, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी कैंडिडेट के रूप में रहती है, इसीलिए सभी भूतपूर्व सैनिकों के पदों को ओबीसी की पदों पुरुष पदों से भर दिया जाता है, जिसका परिणाम जो 2018 के बाद की जितनी भी वैकेंसियां राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई उन वैकेंसियों में जो हाल ही में परिणाम आने लगे हैं उन परिणामों में पता चला कि जो 21% आरक्षण ओबीसी को इसमें राज्य की जो भर्तियों में था वो आरक्षण रहकर 1% पे आ गया। कई कई जिलों में या राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई कई जिलों में एक पद भी ओबीसी के युवाओं को नहीं मिला और सारे ही पद भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भर दिए गए, जिसके परिणाम ये आ रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों से जो भरे पद भरे जा रहे हैं उसके कारण ओबीसी के युवा जो सबसे ज्यादा आबादी इस राजस्थान की लेकर बैठे हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगार की आबादी में लगभग 70% युवा आज भी ओबीसी कोटे से हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये आदेश आने के बाद सर्वाधिक नंबर लाने के बाद पूरी भर्ती में अगर आप ऑल आवर टॉप भी करते हो तो भी आपको एक पद नहीं दिया जाता है। जैसा कि कोटा में देखा गया, योगेश यादव नाम के एक अभ्यर्थी के ऑल राजस्थान में टॉप नंबर रहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, 75 में से 70 नंबर लाने के बावजूद वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर है। कारण यह है कि सारे ही पद भूतपूर्व सैनिकों से भर दिए गए, और यही रवैया लगभग राजस्थान के 19 जिलों में देखा गया कि एक भी पद ओबीसी के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो आगामी समय में भर्तियां आ रही है उनमें युवाओं के साथ पूरी तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, और उन्हें जो 21% आरक्षण के नाम पर जो दिखाया जाता है पदों का, जब वैकेंसी विज्ञप्ति के रूप में आती है उन्हें उस वक्त पदों के रूप में दिखाया जाता है कि तुम्हारे ये 21% पदों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, लेकिन जब बाद में परिणाम आता है या भर्तियों के परिणाम देखे गए हैं, परिणामों में जीरो यानी ओबीसी कोटे से एक भी बेरोजगार युवा को नियुक्ति नहीं मिली, तो फिर इन्हें भर्ती निकालते समय ही इसका स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता, ताकि युवा फॉर्म भरने से पहले सोचें, ताकि पद ही नहीं है तो वो फॉर्म क्यों भरें। जहां 2019 की वैकेंसी में 20 लाख फॉर्म आए उनमें से कम 10 लाख फॉर्म ओबीसी वर्ग के युवाओं के फॉर्म है, आप ये देखिए, और अगर पद भरे गए तो मात्र कम से कम 500 के आसपास पद ओबीसी युवाओं से भरे गए, जबकि 5000 की वैकेंसी में 21% आरक्षण के हिसाब से निकाले तो भी कम से कम 2500 पद होते हैं, 2500 को छोड़ के 500 पदों पर आप नियुक्ति नहीं दे रहे, कम से कम 19 जिलों से एक भी अभ्यर्थी को ओबीसी के कोटे से नियुक्ति नहीं दी गई। हम ये नहीं कहते कि भूतपूर्व सैनिकों को जो आपने आरक्षण दिया है वो गलत है, भूतपूर्व सैनिकों को 2018 से पूर्व भी 12.5% आरक्षण था, लेकिन वो हर कैटेगरी वाइज था, हर कैटेगरी से 12.5% दिया जाता था, अब सभी कैटेगरियों का सारा आरक्षण केवल ओबीसी कोटे से दिया जा रहा है, तो ओबीसी कोटे का 12.5% आप भूतपूर्व सैनिकों को दे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मामला यही है कि ओबीसी की 90% सीटें भूतपूर्व सैनिकों से भरी जा रही है, और कई जगह तो 100% सीटें ओबीसी की भूतपूर्व सैनिकों से भरी जा रही है, तो अगर सारी सीटें ओबीसी के भूतपूर्व सैनिकों से भरी जाएगी तो फिर ओबीसी के युवाओं से फॉर्म भी भराना बंद कर दो, और उन्हें स्पष्ट बता दो कि आपकी जो सारे पद हैं बैकलॉग से भूतपूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे, ताकि ये जो खिलवाड़ हो रहा है भर्तियों में, विज्ञप्तियों में फॉर्म भरने के नाम पर, युवा कोचिंग के नाम पर शहर में पड़े हैं, कमरा किराया ले रखा है, घर वाले ने कर्जा ले लेके उनको जयपुर पढ़ा रहे हैं, और उन्हें बाद में भर्ती के बाद में पता चले कि उनके तो पद ही नहीं थे,
तो इसके इससे यही निकलता है कि जो ऊपर आपकी ये ऐसे तानाशाह बैठे हुए हैं, जो ऐसे तानाशाह आदेश निखारते हैं, जिनका परिणाम ये होता है कि ऐसे आदेशों को आम जन को समझने में भी बहुत देर हो जाती है, जब परिणाम आता है तब समझ में आती है। ये आदेश 2018 का, लेकिन समझ में आते आते जो भर्तियों के परिणाम आने लगे तब समझ में आने लगा है कि इस आदेश के तहत कितना खिलवाड़ हो रहा था और किस तरीके से हो रहा था। अगर इस प्रकार के गोपनीय आदेश और इस प्रकार की इस आदेश के खिलाफ भी सरकार ने खुद ने माना है, सरकार ने मार्च 2020 में एक आदेश निकाल कर खुद माना है कि ये जो वर्टिकल आरक्षण को हॉरिजॉन्टल में बदला गया है ये तर्कसंगत नहीं है, ये उचित नहीं है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और ये जो प्रक्रिया है उसको चलते जो वर्तमान में चल रही है, जिस कारण से ओबीसी के जो पुरुष युवा है वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते जा रहे हैं और ओवरेज होते जा रहे हैं और उनके पास फिर बेरोजगारी के अलावा कोई उपाय नहीं है। अतः मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि ये एक आवाज है और इसमें जो लोग पीड़ित हैं वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऑफिसों में जा रहे हैं, कोई कहीं से आदेश निकलवा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनेगा, एक एक आदमियों की कोई नहीं सुनता। अगर आप सब एक साथ आओगे और 5 मई 2022 को जो धरना प्रदर्शन का आयोजन शहीद स्मारक पे रखा गया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे और इस मुद्दे को ज्वलंत बढ़ाओगे तो आपकी सरकार सुनेगी, वरना आप ऐसे ही कुचल दिए जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोर्ट सुनेगी, ना सरकार सुनेगी, ना राजनेता सुनते हैं। राजनेताओं को भीड़ चाहिए, भीड़ नहीं है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक एक आदमी जा रहा है ज्ञापन देने, कौन सुनेगा तुम्हारी? जिस जो पीड़ित हो रहा है वो अपने कागज उठाता है, नेताजी के पास जाता है, कोई एक आदमी जाता है, रिट लगाता है, कौन सुनेगा इसे तुम्हारी? प्रभावित हर आदमी होगा, क्योंकि फार्म सभी को भरने हैं, मेरिट में रह जाता है एक दो नंबर से, वो आदमी जाके कोर्ट में चला जाता है या फिर नेताओं के पास जाता है और वहां उनको राजनेताओं को चाहिए भीड़। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस चीज का एक ही उपाय है कि 5 मई 2022 को आप अधिक से अधिक संख्या में शहीद स्मारक पर पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि जो आपको 21% आरक्षण राज्य सरकार में दे रखा है उसे बचाया जा सके और 21% पद तो आपको दिया जा सके। पिछली 2018 के बाद की वैकेंसियों में 21% आरक्षण या 21% युवा भर्ती किए क्या? सरकार एनालिसिस करे इस चीज का। मात्र 2 या 3% युवा बेरोजगार ओबीसी युवाओं को दिए गए पद, पूरे पद ओबीसी के भूतपूर्व सैनिकों से भर दिए गए। जब आपको ये पद भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने थे, हमें कोई आपत्ति नहीं, दे दो, लेकिन फार्म मत भराओ ना दूसरी कैटेगरी से। अतः आप अंत में मैं यही कहूंगा, ये जो मुद्दा है भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ न होकर ये सरकार ने जो इस आदेश को लागू कर रखा है तरीके से करें, सभी वर्गों सभी जो कैटेगरी है उनसे जो 12.5% 2018 से पहले काटा जाता था उस प्रकार से काटा जाए, या फिर वर्टिकल रूप से इन्हें 12.5% अलग देकर जो बाकी बचे हुए पद हैं उनको कैटेगरी वाइज वर्गीकृत किया जाए, जिससे युवाओं को पता चले कि उनकी भर्तियों में पद कितने हैं, एक्चुअली में कितने पदों के लिए वो लड़ रहे हैं, कितने पदों के लिए वो पढ़ रहे हैं। उन्हें परिणाम आने के बाद पता चलता है कि वो टॉपर रहने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। और अगर आप में एकजुट होने की क्षमता नहीं है तो बैठे रहिए, लाइब्रेरी में पढ़ते रहिए, और कोचिंग संस्थान चलाने वालों से भी निवेदन है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों को तो फीस से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है कि आरक्षण किसको कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनको तो भीड़ आई गई, बैच पूरे हो गए, कोई मतलब नहीं है कौन सेलेक्ट हुआ कौन सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, उनके तो 5,000 की भीड़ आएगी, उनमें से 5 आदमी सेलेक्ट होने हैं। इसलिए हमारा यही निवेदन है, सभी से युवाओं से निवेदन है खास तौर से, क्योंकि लड़ाई आप लोगों की है और आपके अधिकार की लड़ाई है, आप लोग उठ के आओगे तो लड़ाई जीतोगे, वरना बैठे रहो लाइब्रेरी में पढ़ते रहो और इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। धन्यवाद।